भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र में आगामी चुनाव को देखते हुए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में दबोह थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा के मार्गदर्शन में लगातार गुंडे, बदमाशों, अवैध शराब और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस गश्ती की जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा पर बने चेकिंग पोस्ट पर सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर दबोह थाना क्षेत्र में तेज स्तरीय पंचायत चुनाव में देशी शराब का व्यापार जोर पकड़ रहा था। इस पर अंकुश लगाने के लिए राजकुमार शर्मा के द्वारा अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाई गई और सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके परिणाम स्वरूप दबोह थाना क्षेत्र के अमाहा में कंजर मोहल्ले से भारी मात्रा में देशी शराब पकड़ी गई और दबोह थाना प्रभारी की अलसुबह कार्रवाई जैसे ही नगर के लोगों को लगी तो उनके द्वारा कठोर कार्यवाही का स्वागत किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में अवैध शस्त्र, अवैध शराब और अवैध गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत आज सुबह मुखबर सूचना पर से दबोह पुलिस एवं लहार पुलिस के द्वारा ब्रिजेश कंजर पुत्र भारत कंजर निवासी कुंवरपुरा डेरा पर दबिश दी गई। तो ब्रिजेश कंजर को पुलिस की गाड़ी को देख के भाग गया, लेकिन उसके डेरा से 250 लीटर कच्ची आज से बनी हुई शराब पाई गई, जिस पर से पुलिस के द्वारा 34-2 का अपराध कायम किया गया है और आरोपी की तलाश की गई।